हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हम अमरेला स्लीव्स कुर्ती बनाएंगे तो इसके लिए हमने तीन मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की वर्थ फोर्टी फोर इंच की है तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रखा है ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है फिफ्टीन इंच अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ सिक्स इंच अभी यहीं से आरमोल लेंगे तो आरमोल भी मैं ले रही हूँ सिक्स पॉइंट फाइव इंच इन दोनों पॉइंट्स पॉँँण को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट प्लस टू इंच मार्जिन ले लेना है तो मैं ले रही हूँ ट्वेल्व इंच अभी यहाँ पर हमें कमर का फोर्थ पार्ट प्लस टू इंच मार्जिन ले लेना है तो मैं ले रही हूँ नाइन पॉइंट फाइव इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर वन इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्मोल का शेप दे देना है ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक वेड़ मैं ले रही हूँ थ्री इंच और नेक डीप में ले रही हूँ सिक्स इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ फोर इंच उसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप दे देंगे तो मार्किंग हो गई है अभी हम कटिंग करेंगे सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे तो हमने कटिंग कर ली है अभी हमें इसे ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रख लेना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को टू फोल्ड करके रखा है अभी इसको एक कॉर्नर से उठाकर हमें ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है इस तरह से तो हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है यहाँ पर ये यह ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है तो टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे हल्का सा तिरछा रखना है और कमर के साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट करना है उसके बाद हमें कमर का निशान लगा लेना है अभी टॉप पार्ट को हटा देंगे अभी हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ थर्टी इंच तो यहाँ पर थर्टी इंच पर मार्क करेंगे और इंच टेप को सरकाते हुए पूरे में थर्टी इंच पर मार्क कर लेंगे और इन सारे पॉइंट्स को राउंड शेप में जोड़ देंगे तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है अभी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए से कट करना है और यहाँ पर हम लाइन के ऊपर ही कट कर लेंगे तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बॉटम पार्ट की अभी यहाँ पर दो पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे तो नीचे से जो कपड़ा बचा है इसी का हम जॉइंट लगाएंगे तो इस तरह से हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए हमें इस फैब्रिक को रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और उसके बाद नीचे का कपड़ा इस तरह से उंगलियों से महसूस करते हुए हम इसी शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए दो पार्ट्स निकाल लिए हैं अभी हम इसको पिन लगा कर रखेंगे तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें पिंस लगा लेने हैं और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए पिन्स लगा लेने हैं इससे सिलाई करने में आसानी होगी और यहाँ पर हमें सिंपली स्टिच कर लेना है तो अभी मैं आपको बॉटम पार्ट को ओपन करके दिखा देती हूँ तो ये हमारे बॉटम पार्ट के दो पार्ट से फ्रंट और बैक के और ये इस तरह से इसका घेरा है अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक बना लेंगे तो फ्रंट नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है इसे इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हमने बैक का पार्ट लिया है तो बैक के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है उसके बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इस स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेना है इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी स्ट्रिप को अटैच कर लिया है यहाँ पर भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस स्ट्रिप को भी हम रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा लिया है अभी अंदर की तरफ जो हमारी स्ट्रिप है इसे हम फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का नेक बन जाएगा और सेम इसी तरह से हमने बैकनेक भी बना लिया है अभी हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है और बॉटम पार्ट में जो हमारा जॉइंट आया था इसको भी हमने स्टिच कर लिया है अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा के इसको अटैच करना है इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है अब इसको हम उल्टा कर लेंगे और दोनों साइड से हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है अभी हम अमरेला स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने दो स्क्वायर पीस लिए हैं तो दो साइड के स्लीव्स के लिए हमने दो स्क्वायर पीस लिए हैं और इसकी जो वड्थ है वो ट्वेंटी सिक्स इंच की है और इसकी लेंथ भी ट्वेंटी सिक्स इंच की ही है तो जितनी भी स्लीव्स की लेंथ है उसमें वन इंच मार्जिन ऐड करना है और उसको हमें डबल कर लेना है तो स्लीव्स की लेंथ है ट्वेल्व इंच उसमें हमने वन इंच मार्जिन ऐड कर लिया तो वो हो गया थर्टीन इंच और थर्टीन का डबल करेंगे तो वो हो जाता है ट्वेंटी सिक्स इंच तो इस हिसाब से हमने ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी सिक्स इंच के दो स्क्वायर पीस ले लिए हैं अभी हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से उसके बाद हमें इसको एक और फोल्ड कर लेना है इस तरह से तो यहाँ पर ये यह हमारी फोल्ड साइड है दोनों तरफ और यहाँ पर ये यह ओपन साइड है तो जो हमारी फोल्ड साइड है यहाँ से हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे तो लेंथ लेंगे हम थर्टीन इंच तो यहाँ पर थर्टीन इंच पर निशान लगा लेना है तो पूरे राउंड में हमें थर्टीन इंच पर निशान लगाते जाना है और इन सारे पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है राउंड शेप में अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है अभी हमें इसे ओपन करके रखना है तो इस तरह से हमारे ये दो सर्कल है दोनों साइड की स्लीव्स के लिए तो यहाँ पर ये चार लाइंस बन गई हैं तो इसमें से किसी भी एक लाइन पे हमें मार्किंग करनी है तो किसी भी एक लाइन पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे अभी इसी पे हम मार्किंग करेंगे अभी हम कुर्ती के आर्मोल का मेजरमेंट ले लेंगे तो एक साइड से हम इसका मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे इस तरह से हमें इसको हल्के हाथों से घुमाते हुए इसका मेजरमेंट ले लेना है तो ये हमारा सेवेंटीन इंच है आर्म होल तो ये आर्म होल सेवेंटीन इंच आया है तो सेवेंटीन को हमें फोर से डिवाइड करना है तो वो आ जाता है फाइव पॉइंट टू फाइव इंच सवा पाँच इंच तो सवा पाँच इंच पर हम वन इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे तो वो आ जाता है सवा छः इंच तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से हम यहाँ तक सवा छः इंच पर निशान लगा लेंगे सिक्स पॉइंट टू फाइव इंच पे और इसका अभी हमें हाफ ले लेना है तो इसका हाफ होगा थ्री इंच वन पॉइंट अभी ये जो हमने निशान लगाया है इसी के अराउंड हमें थ्री इंच वन पॉइंट का एक सर्कल बना लेना है तो पूरे में हम थ्री इंच वन पॉइंट का एक सर्कल बना लेंगे इस तरह से मार्क करते जाएंगे और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो अभी हमें इसकी कटिंग करनी है तो देखिए इस तरह से पकड़ के हम इसको फोल्ड करके रखेंगे तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से फोल्ड करते हुए रखना है उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट करना है लाइन के ऊपर कट नहीं करना है तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है अभी यहाँ पर जो कम वाली साइड है वो हमारी आर्म होल में स्टिच होगी नीचे की तरफ और ये जो ज़्यादा वाली साइड है ये हमारी शोल्डर में स्टिच होगी तो यहाँ पर हम दोनों साइड में एक छोटा छोटा कट लगा लेंगे तो अभी आपको स्लीव्स को ओपन करके दिखा देती हूँ तो ये हमारा स्लीव्स इस तरह से लगेगा तो ये दो स्लीव्स है दोनों साइड के लिए तो एक साइड की स्लीव्स को साइड में रखेंगे अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो देखिए जो ज्यादा वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है शोल्डर की तरफ अभी हमें स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखना है यहाँ पर हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए पिन्स लगा लेने हैं तो जो कट लगाया है वो हम यहाँ पर मिला लेंगे और पिन लगा लेंगे और उसके बाद हम इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे इसी तरह से हम दूसरा स्लीव भी स्टिच करेंगे और स्लीव्स का जो सर्कल बॉटम है इसको हम हल्का हल्का सा डबल फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से हमारी कुर्ती रेडी है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू